अंबर पेट में वाक़ 400 साल तारीखी मस्जिद मस्जिद एक मीनार को दो दिन कबल GHMC के अमले ने शहीद कर दिया। मस्जिद की शहादत को लेकर आवाम में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही थी। इधर आज रियासत के वज़ीर दाखला महमूद अली ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो इस हसास मसले को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और रियासती हुकूमत भी इस मामले को लेकर संजीदा है। उन्होंने कहा कि GHMC कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के सदर नशी से इस हसास मामले पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्कूरा मस्जिद से मुत्तसिल या उसके आसपास अगर कोई सरकारी ज़मीन मौजूद है तो उस मकाम पर उलमाए किराम और आवाम से राय लेकर मस्जिद की तामीर की जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वो लोग 2.5 करोड़ रुपए हासिल किए और लेटर देने के बाद बल्दिया महकमे को ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे मस्जिद है और वो मस्जिद आबाद मस्जिद नहीं है, काफ़ी हमारे सब बंद है मस्जिद। जो भी हुआ उसकी हमें भी तकलीफ है, हमारे CM साहब को भी तकलीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर वन सेकुलर CM अगर कोई है तो KCR साहब है। आज ही मैं GHMC कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के CO और कलेक्टर से बात किया हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में, चूँकि वो मास्टर प्लान में आ रही, पड़ोस में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन अवेलेबल रहेगी या म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की ज़मीन अवेलेबल रहेगी, अच्छी बड़ी ज़मीन देकर वहाँ अच्छी से अच्छी मस्जिद तामीर की जाएगी। सब उनको जगह पे 419 गज वक्त की ज़मीन है, उसी पर क्यों तामीर नहीं की जा सकती? ऐसा देखिए, मास्टर प्लान आने पर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अल्लाह का घर था नहीं, बिल्कुल अल्लाह के घर को तो अल्लाह का घर ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जिस वक्त आज अभी डिमोलिश किया गया, वो 400 चिल्लर नहीं है, इससे पहले काफ़ी पहले डिमोलिश किया गया था, जब भी मुआवजा दिया गया था। अगर मैं खुद हम इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वहाँ पर मुनासिब जगह रहेगी, लोगों को इबादत करने के लिए माकूल जगह रहेगी, तो ज़रूर वहाँ पर बनाया जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो हटाना। अगर चूँकि रास्ते में जहाँ तकलीफ़ आ रही है, लोगों को ट्रैफिक के लिए तकलीफ़ आ रही, तो ऐसी सूरत में अगर वो जगह मस्जिद की कितनी जगह, मैं कलेक्टर से भी बात किया हूँ, वो जाकर वो लोग रेवेन्यू के साथ मुश्तरका तरीके से वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को लेकर सर्वे करेंगे कि मर्जी छोड़कर मस्जिद कितनी जगह पर है। मुझे जो इत्तला मिल रही है, मस्जिद बहुत छोटी थी, जो कमान की मस्जिद एक ही कमान के अंदर थी, एक खाने की मस्जिद थी, जिसमें वहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आवाम से राय लेने के बाद आवाम की क्या, हमारे उलमा से भी बात करेंगे, वहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे, अगर वो इस पर राजी हो कि पड़ोस में बिल्कुल करीबी वॉकिंग डिस्टेंस में कोई जगह अच्छी मिलेगी तो वहाँ आवाम की राय से और उलमा की राय से तामीर की जाएगी। अगर वो वहीं चाहते हैं तो वहीं बना कर दिया जाएगा।